हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपमा चौधरी है और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमारी मेकअप ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, आज हम उसका चैप्टर 2 करेंगे। लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया था कि फेस वॉशेस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, फेस वॉशेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेकअप में, क्योंकि फेस वॉशेस हमारे स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको क्लीन करते हैं। जितना भी डस्ट एंड डर्ट है हमारी स्किन के ऊपर, उसको क्लीन करते हैं। तो एक सही फेस वॉश का यूज़ करना अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा अपने फेस वॉश को अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना चाहिए। अगर हमारी स्किन ड्राई है और हमने ऑयली स्किन वाला फेस वॉश चूज़ कर लिया, तो वो हमारी स्किन को और ज़्यादा ड्राई बना देगा, जिससे हमारा मेकअप बहुत ही ज़्यादा पैची हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप बिल्कुल स्मूथ हो, बहुत अच्छा फिनिश आए उसका, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो बहुत ज़रूरी है एक सही फेस वॉश का चुनाव करना। जैसे हम पेंटिंग करते हैं, उससे पहले हमारा कैनवास बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसी तरीके से अगर हम मेकअप करते हैं, उससे पहले हमारी स्किन का स्मूथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी स्किन ड्राई होगी, पैची होगी, तो हमारा फाउंडेशन, कंसीलर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने चैप्टर 2 में कवर करेंगे ऑल अबाउट फेस वॉशेस, जिसमें हमारी कौन सी स्किन पे कौन सा फेस वॉश सूट करेगा ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहेगा, ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, मैच्योर स्किन के लिए, और सभी तरह की स्किन टाइप के लिए कौन से फेस वॉशेस बेस्ट रहेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक होममेड इन फेस वॉश सिर्फ वन इंग्रेडिएंट से किस तरीके से घर में यूज़ कर सकते हैं, और क्या एक सही तरीका है फेस वॉश को यूज़ करने का, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने रॉयल स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी आपकी क्लास जो है बिल्कुल भी मिस ना हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपका थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जॉनसन एंड जॉनसन का क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश ऑयली स्किन के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये फोमिंग फेस वॉश है, ऑयल फ्री है, और इससे हमारे पोर्स भी क्लॉग नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, इसकी कॉस्ट है 110 रुपीज़, और इसका अमाउंट है 150 ml है इसके अंदर। सेकंड जो मैं फेस वॉश आपको बता रही हूँ, ये हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश है। फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के हिसाब से। इसमें जो है, वैसे इन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है प्यूरिफाई स्किन इन ऑल स्किन टाइप, सभी स्किन टाइप वालों को भी चलेगा। इसके अंदर 50 ml का प्रोडक्ट है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो ओनली 65 रुपीज़ है। और फिर थर्ड फेस वॉश जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लोटस का टी ट्री हर्बल है। फ्रेंड्स, ऑयली स्किन के लिए टी ट्री वाले प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। कभी हम अपने लिए कोई फेशियल किट वगैरह भी चूज़ कर रहे हैं, ऑयली स्किन है तो हम हमेशा चूज़ करेंगे उसमें टी ट्री होना चाहिए। तो ये लोटस हर्बल्स का भी टी ट्री फेस वॉश है, जो बहुत ही बढ़िया काम करेगा हमारी ऑयली स्किन के ऊपर। इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है इसके अंदर कि टी ट्री एंड सिनेमन है, एंटी एक्ने ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है, रिमूव एक्सेस ऑयल, हेल्प्स कंट्रोल पिंपल्स एंड एक्ने। तो ऑयली स्किन पे जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीशन होता है, सीबम बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, तो ये उसको कंट्रोल करेगा। जितने भी ऑयली स्किन के हिसाब से फेस वॉशेस होते हैं फ्रेंड्स, हमें उसमें ध्यान रखना है। उसके इंग्रेडिएंट्स को भी ज़रूर नोट करना है कि उसमें ग्लाइकोलिक एसिड होना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, जो हमारे एक्सेस ऑयल सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये 145 रुपीज़ का है। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये भी जॉनसन एंड जॉनसन का क्लीन एंड क्लियर है। ये मॉर्निंग एनर्जी फेस वॉश है। फ्रेंड्स, ये सारे फेस वॉशेस का मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें सारा इनके बारे में बताया हुआ है। इसकी भी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये सिर्फ 65 रुपीज़ का है। ये मेरा ख़त्म हो गया, पर बहुत ही अच्छा फेस वॉश था ये भी। इसमें छोटे छोटे बीड्स, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है, जो हमारे हल्का हल्का सा लाइट स्क्रबिंग का काम करेंगे। क्योंकि अगर हमारी स्किन ऑयली है या पिंपल्स वगैरह स्किन के ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा हमें हार्श जो स्क्रब है वो यूज़ नहीं करना, बिल्कुल लाइट या माइल्ड होना चाहिए। और फ्रेंड्स, लास्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लैक्मे का लेमन फेस वॉश है। ये भी बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के हिसाब से। इसकी भी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो नियर अबाउट 100 रुपीज़ का है ये। और फ्रेंड्स, इसी में ही अब मैं आपको ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ, इसमें इसका एक और फ्लेवर आता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगा। नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, तो मैं ये वेस्टीज कंपनी का, एश्योर कंपनी का नेचुरल प्योर फेस वॉश यूज़ करती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ,
अभी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स मुझे इसके हमेशा मिलते हैं। अभी इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई, अभी ये दूसरी पैकेजिंग में आ गया है, नई पैकेजिंग में। इसकी भी अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये 60 ग्राम का है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 150 रुपीज़ है। अभी हो सकता है इसकी कॉस्टिंग में, अगर क्योंकि नई पैकिंग आई है तो इसकी कॉस्टिंग भी हो सकता है बढ़ गई होगी। और फ्रेंड्स, ड्राई स्किन के लिए पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। एक हिमालय का केसर फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। डव कंपनी के फेस वॉशेस ड्राई स्किन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। फिर जब भी हम अपना फेस वॉश चूज़ कर रहे हैं तो ड्राई स्किन पे हम हमेशा क्रीम बेस्ड फेस वॉशेज हमें चूज करने हैं, और अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हमें जेल बेस्ड फेस वॉशेज यूज़ करने हैं। और फ्रेंड्स, अगर हमारी एक्ने प्रोन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए न्यूट्रीजिना ऑयल फ्री फेस वॉश है जो बहुत ही बढ़िया काम करता है। और फ्रेंड्स, नॉर्मल स्किन के लिए बोरो प्लस का फेस वॉश है जो बहुत ही बढ़िया है, कोकोनट एंड एलोवेरा वाला। और फ्रेंड्स, उसी तरीके से मैच्योर स्किन के लिए अगर हम फेस वॉश को चूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा फेस वॉश जो है क्रीम बेस होना चाहिए, जिससे हमारे रिंकल्स की प्रॉब्लम ना हो, जिसमें VLCC का लीची फ्लेवर बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में सभी स्किन टाइप के लिए फेस वॉश आपको मैं बताने जा रही हूँ जो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, जो सभी स्किन टाइप के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें सीटाफिल है। सीटाफिल एक ऐसा फेस वॉश है जिसको सभी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फेशियल क्लिंजर है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है, पिम्पल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं उनके ऊपर भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये हमारे पिम्पल्स की रेडनेस को भी कम करेगा। फिर सेंसिटिव स्किन के लिए भी सीटाफिल फेस वॉश सही है। बाकी हमारे जो घर के फेस वॉशेज होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में पूरा शेयर किया हुआ है कि हम घर में भी फेस वॉश को किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर उनकी स्किन को कुछ भी सूट नहीं करता तो पपाया एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पपाया से हम अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ हम घर पर एक बहुत ही बढ़िया फेस वॉश कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, घर में अगर हमें अपना फेस वॉश यूज़ करना है तो हम हल्का सा बेसन लेंगे, अगर हमारी ऑयली स्किन है तो उसको सिंपल रोज़ वाटर में या फिर पानी में मिक्स करेंगे और उससे अपने फेस को वॉश कर लेंगे। अगर हमारी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो हम उसमें हल्का सा एक चम्मच दूध भी मिला सकते हैं, उसके बाद हम उस बेसन से अपने फेस को वॉश करेंगे तो फ्रेंड्स एक नेचुरल ग्लो हमारे फेस के ऊपर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ कि क्या एक सही तरीका है फेस वॉश को यूज़ करने का। फ्रेंड्स, जब भी हम फेस वॉश को यूज़ करेंगे सबसे पहले हमें अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेना है, उसके बाद हम अपने चेहरे को गीला करेंगे और फिर एक या दो ड्रॉप, तो एक ड्रॉप से या दो ड्रॉप से ज़्यादा बिल्कुल भी हमें फेस वॉश को नहीं लेना है। उसको लेने के बाद पहले हम उसको हल्का हल्का सा अपने हाथों पर मलेंगे, उसके बाद हम अपने फेस पर उसकी नॉट मोर देन 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी हमें उसकी मसाज नहीं करनी है। सिर्फ 50 सेकेंड्स तक हमें अपने फेस पे फेस वॉश की हल्के हल्के मसाज करनी है, उसके बाद हमें प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, वॉश करने के लिए हम कभी भी गर्म पानी का या ल्यूकवॉर्म वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल प्लेन वाटर से हम उसको वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली वीडियोस में हम अपना चैप्टर 3 भी कंप्लीट करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्टेप्स हैं हमारे मेकअप के। मेकअप ट्यूटोरियल सीरीज में उन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, जिसको हम कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके स्टेप बाय स्टेप जो हमारा मेकअप ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है उसमें कोई भी आपका स्टेप मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, उसके साथ जो बेल आइकन है आप उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर तो आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और फेसबुक पर मेरा पेज रॉयल स्टाइल है, आप उसको भी ज़रूर लाइक करिएगा। वहाँ पर मैं अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।